कहाँ रहती हैं आप? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। इनके पिताजी क्या करते हैं? बस चलाते हैं। क्या चलाते हैं? बस। बस चलाते हैं। तो बेटी को पढ़ाना चाह रही हैं कि ये भी चाहती हैं क्या कि कुछ इसका करियर वरियर बने, कहीं कुछ ये अच्छे जगह पे पहुंच जाए, जॉब वॉब अच्छा मिल जाए, ये भी चाहती हैं क्या कि खाली डिग्री चाहिए? नहीं, डिग्री खाली क्यों चाहिए? अगर डिग्री चाहिए तो बिहार शरीफ में कॉलेज खोज के वहीं पर पढ़वा दीजिए इनको, क्योंकि यहाँ जब इनको क्लास करना नहीं है, अटेंडेंस सही से होना नहीं है, तो पटना में पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? या तो इनको आप घर बुलाती होंगी, बिहार शरीफ बुलाती होंगी। या एज में कुछ ऐसा था जो बुलाए थे, नहीं है कभी कभी ऐसा काम पड़ गया था तो। हाँ, तो यहाँ जो क्लास हो रहा है उसका तो कीमत है नहीं, वो तो ज़रूरत है नहीं, वो तो बेकार क्लास होता है। नहीं, गलती हुआ है, वो नहीं करेंगे गलती ना, लेकिन आप सुधारेंगे आपसे अपना। क्योंकि ऐसा है ना, हम बच्चे को यहाँ पे कम कसूर देंगे, ये जो सब्जेक्ट सब है इसका, चाहे वो सी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, या अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा हो, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर कोई दो चार क्लास एबसेंट हो जाए तो उसके बाद का पढ़ाई समझ में नहीं आता। अगर कोई सोचेगा कि हम सी ठीक से नहीं पढ़ेंगे और दूसरा चीज़ ठीक से पढ़ लेंगे, सब जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ में क्लास छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद का पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, फिर इसका क्लास करने का मन कट जाएगा। इस बात को समझ रही हो? अगर तुम रेगुलर क्लास नहीं करोगी, तुम्हारा कंसेप्ट गड़बड़ाएगा और उसके बाद तुमको क्लासरूम में पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, और तुमको लगेगा तो टीचर खराब है या सब्जेक्ट खराब है या हम ही खराब हैं। तो तुमको उसको कवर करना पड़ेगा। नहीं कवर करके अपने आप को क्लास के संग संग नहीं लाओगी और बैकग्राउंड तुम्हारा कमज़ोर रहेगा और क्लास आगे आगे भागती जाएगी, तुम रह जाओगी पीछे, तो धीरे धीरे गैप बहुत बढ़ जाएगा और फिर बाद में गैप कवर ओवर नहीं हो पाएगा। समझ रही हो? तुम्हारे संग वो समस्या हमको साफ दिख रही है। और सुधार जाएगा? सुधारना तो इनको है। हाँ भाई, सुधार हमको सुधारना थोड़ी ना है, मतलब हम तो सुधरे हुए हैं। आपको नहीं हुआ है, तो इसको सुधारिए। अभी से सुधारेंगे तो सुधार, इसको सुधारना है ना भाई। ये नहीं सुधारेंगे तो कैसे, हम कैसे कह देंगे सुधर जाएगा? कहना इनको है कि सुधर जाएगा। वही इसी को बोल रहे हैं कि तो बस उससे पूछिए फिर, या तो आप अपना देखिए कि भाई आप इनका क्लास छुड़वाइएगा कि नहीं छुड़वाइएगा, और जब इनको आप क्लास के लिए छोड़िएगा कि क्लास करना है तो ये क्लास ही करें, ऐसा ना हो कि यहाँ रह करके भी ना आए। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि रहते हैं, उनको माँ बाप कभी नहीं बुलाते हैं, और वो माँ बाप को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कॉलेज और वो कॉलेज नहीं आते हैं। हम तो हम नहीं कह रहे हैं कि झूठ बोलती है, हम ही बुला लेते थे उधर, थोड़ा गलती की है और क्या। ये सेकेंड ईयर में है, अब इसका 1.5 साल का पढ़ाई और बच रहा होगा। ये 1.5 साल थोड़ा सा पढ़ लिख के कुछ मेहनत करे तब जा कर के कुछ चांस रहेगा, नहीं तो BCA कोर्स में 50,000 बच्चा BCA करता है बिहार में, उसमें से 49,000 जो है वो धक्का खाता है, 50,000 में से 49,000 धक्का खाता है, 1,000 है जिसको बढ़िया जॉब मिलता है। अगर उस 1,000 में आना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं वही आते हैं, उसमें एक से एक कंपनी में हमारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन इसका वो वाला अभी पैटर्न नहीं है। इसका पैटर्न बिल्कुल साफ है कि ये बाहर है, उसमें से बिल्कुल बाहर है। चेंज करना होगा इनको, पढ़ाई का सिस्टम चेंज करना, क्लास करना होगा, अटेंडेंस इंप्रूव करना होगा, घर पर भी नोट्स बनाना होगा, ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी होगी। आजकल यूट्यूब पर जितने टॉपिक में फेल करी है ना, सारे टॉपिक में क्लास मिलता है यूट्यूब पर, नहीं मिलता है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है कि नहीं है? जितना चाहो उतना वीडियो है, मोबाइल फ़ोन भी होगा तुम्हारे पास, इंटरनेट का पैक भी होगा तुम्हारे पास, लेकिन पढ़ाई वाला वीडियो देखती नहीं होगी, खाली तुम लोग फालतू चीज़ जो इंस्टाग्राम पर तरह तरह का चीज़ देखता है लोग, तो मोबाइल का सदुपयोग भी हो सकता है, और दुरुपयोग तो खैर हो ही रहा है। कम से कम 3 घंटा तो घर पे पढ़ाई करना आवश्यक है। आज पटना में बिहार का बच्चा 12-12 घंटा 14-14 घंटा का पढ़ाई करता है, उसके बावजूद जॉब के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। हजारों लाखों बच्चे हैं जो 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं प्रतिदिन की, तुम्हारा कितना घंटे का है? हम नहीं बोलते हैं 12 घंटा, हम तो बोले ही तुमको 3 घंटा, सोचो ज़्यादा। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, इससे कमज़ोर कमज़ोर बच्चा भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खराबी है कि क्लास छूट रहा है। जब क्लास छूटेगा
तो जो क्लास करेगी वो क्लास भी समझ में नहीं आएगी। हम दो दिन करेंगे क्लास, दो दिन नहीं करेंगे, फिर दो दिन करेंगे, फिर दो दिन नहीं करेंगे, जिस दिन करेंगे भी उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? ये तकनीकी विषय है, इसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति का क्लास कर लिए तो समझ में आ गया, शुक्र छोड़ दिए फिर शनिवार का कर लिए तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। जिस दिन क्लास छोड़िएगा अगले दिन समझ में नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको समझ में आता है बेटा तुम ये गलत काम क्यों कर रही हो? कितना दिन तुमको, कितना साल यहाँ रहना है? अच्छा दूसरा, तुम्हारे पास अगर कोई और प्लान है कि सर बीसीए विशेषण को कोई मतलब नहीं है, मेरा दूसरा प्लान सेट है, तो फिर तुम उसके तो कुछ काम अमल तो कर नहीं रही हो, तुम्हारा इस पर कोई अमल नहीं है। और क्लासेस छूटती नहीं है, बच्चा छोड़ता है। अगर तुम डिसाइड कर लो कि नहीं छोड़ना है तो फिर नहीं छूटेगा। इनको तो खैर हम इसीलिए बुलाए हैं ताकि ये अपने तरफ से कभी ना छुड़वाएं, लेकिन जो माँ बाप कभी नहीं छुड़वा रहे हैं उनके बच्चे भी, अगर उनका बच्चे का पढ़ने का इच्छा नहीं है तो छोड़ देता है। तुमको तो पहले अपना संकल्प लेना होगा। क्लास किसी दिन खाना छोड़ती हो कि दो तीन दिन खाना नहीं खाएंगे? डिसाइड कर लो ना कि जैसे खाना रोज खाना है वैसे ही विद्यार्थियाँ शिक्षा रोज लेना है। हाँ हाँ, ये सब का कोई नंबर नहीं मिलता है। कॉपी में लिखाना ना कि मेरा हेल्थ इश्यू है इसलिए हम आंसर का जवाब नहीं दे रहे। इंटरव्यूअर के पास जाना तो बोलना कि सर मेरा हेल्थ इश्यू है, हमको जॉब दे दीजिए। ऐसे ही बच्चे, तुम्हारा जो भी इश्यू हो उसका कुछ नंबर तुमको मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। जॉब में कुछ एडवांटेज मिलेगा जब तुम बोलोगे कि सर मेरा हेल्थ इश्यू रहता है, हमसे सब सवाल मत पूछिए, तो फिर ये सब क्यों बोलती हो हमको? फिर वही बात, तुम्हारे इश्यू का कोई दुनिया में कदर नहीं होगा, खाली तुम्हारे परफॉर्मेंस का ही कदर होगा। अब तुम अपना जैसे मैनेज करना है इशू को मैनेज करो, अल्टीमेटली तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। घर में भी रहो तो घर में पढ़ने की सुविधा होती है, और ऐसा नहीं है कि आजकल बीमार व्यक्ति मोबाइल नहीं छू रहा है। जो व्यक्ति बीमार है वो भी बैठे बैठे लेटे लेटे मोबाइल देख रहा है, उस पर क्लास ही देख लो ना। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तुम्हारे हित में बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं? अगर तुम मेरे बात पे अमल करोगी करियर किसका बनेगा? मेरा बन जाएगा। या फिर तुम्हारे पास एक विकल्प और है कि चलो ठीक है सेकंड ईयर में है, गड़बड़ हो गया है, थर्ड ईयर और गड़बड़ा गया तो तुम वापस से बीसीए कर लो। ये भी विकल्प है कि नहीं है? एक ही बार में करना है ना, तो फिर बचा बस पीरियड को संभालो। अब दो बार में नहीं ना करना है हा? तो फिर संभालो। इस तरीके से तो नहीं संभाला हुआ रहेगा ना, ये मार्क्स से तुमको कंपनी खुश हो जाएगा? ये मार्क्स कंपनी में सबमिट करने लायक है? नहीं ना। समझ रही बात को बेटा? और ये मार्क्स से तुम्हारी क्या इमेज बन रही है? और बात मार्क्स की नहीं है, हम तो सबसे पहले इस पे जाते हैं कि बच्चे ने क्लास किया कि नहीं किया। अगर क्लास ही नहीं किया तो ये तो ऑटोमेटिक कम होगा। ऐसा रेयर बच्चा मिलता है जिसका क्लास पूरा हो और मार्क्स नहीं हो, हैं कुछ उस तरह के, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर जिनका मार्क्स नहीं है उनका अटेंडेंस भी नहीं है। समझ गए बात को? इस पर ध्यान दो अटेंडेंस पर। ये सुधरेगा मार्क्स सुधरेगा, प्लस दो घंटा कम से कम पढ़ाई की चीज़ों को मोबाइल पर देखना शुरू करो। तुम लोग दो तीन घंटा से ज़्यादा देर मोबाइल देखते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, कुछ कुछ देखते हो, हम झूठ बोल रहे हैं? कोई बच्चा गेम खेलने वाला गेम खेलता है, हो सकता है तुम कुछ और देखती हो, डांस देखती हो, प्रोग्राम देखती हो, सीरियल देखती हो, कुछ तो देखती हो। तो कम से कम दो घंटा पढ़ाई की चीज़ों को देखो, उससे तुम्हारा कंसेप्ट बहुत सुधरेगा, ठीक है।